यूक्रेन और रशिया युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। अमेरिका के बाद जेलेंस्की को ब्रिटेन का एक नया ऑफर मिला है। जेलेंस्की ब्रिटेन में रहना चाहे तो आ सकते हैं, जेलेंस्की परिवार के साथ ब्रिटेन में आकर रह सकते हैं। ब्रिटिश पीएम ने जेलेंस्की की जमकर तारीफ की है और जेलेंस्की की लीडरशिप प्रेरणा देने वाली है, ऐसा मानता है ब्रिटेन। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है डोनेस से। डोनेस में डीएनआर आर्मी का यूक्रेन की सेना पर हमला, वहां अभी भी हिंसक संघर्ष चल रहा है। उन दो इलाकों को जिसने रूस ने अलग देश का दर्जा दे दिया, वहां अभी भी प्रो रशियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेन की सेना के बीच एक हिंसक संघर्ष चल रहा है। डोनेस में यूक्रेन और रूस समर्थित डीएनआर में भीषण जंग छिड़ी हुई है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखो गौरव, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये डोनबस का इलाका है जहाँ डोनसक और लुहानसक एरिया रूस ने कब्जा कर लिया था, उनको फ्री डिक्लेयर कर दिया था। मगर अभी भी मुझे अभी पहले इन तस्वीरों के बारे में बताइए, ये तस्वीरें क्या बताती हैं, कितना इंटेंस इस वक्त वहां पर वॉर छिड़ी हुई है? बहुत इंटेंस लड़ाई लड़ी है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो रूस शुरू में ये कौन से हथियार दिख रहे हैं? ये हथियार तो लगता है कोई रॉकेट या मिसाइल का फायर आया है। ये फायर कर रहे होंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने क्लेम किया था रूस ने डोनबस का इलाका जीत लिया है, वो भी नहीं जीत पाए। और खार्किव बिल्कुल नजदीक है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है। रूस ने चार बार दावा कर लिया कि खार्किव उनके कब्जे में है, मगर खार्किव फिर यूक्रेन ले लेता है। तो सच्चाई यह है कि बिल्ट अप एरिया की लड़ाई आसान नहीं है, वो डिफेंडर को फायदा देती है। कल ऐसी कई खबरें सामने आई थी, इसी के ऊपर मेरा सवाल है, कल ऐसी कई खबरें सामने आई थी कि कुछ ऐसे भी शहर है, कुछ ऐसे भी इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यूक्रेन की जो आर्मी है उन जगहों पर वापस अपना कब्जा कर लिया। देखिए ना, ये क्या है, ये हमें देखना चाहिए ज्योग्राफी के हिसाब से हो कहां रहा है। ये रशिया का ऑब्जेक्टिव चल रहा है डोनबास ईस्ट से लेकर के साउथ से मारियापोल से लेकर के ओडेसा, ये सारा एक कॉरिडोर बना दे 50-100-300 किलोमीटर का बाउंड्री से, ब्लैक सी से यूक्रेन को हमेशा के लिए काट दे। यूक्रेन के अंदर जो भी होता रहे बाद में अलग बात है। यानी आप कह रहे हैं कि डोनबास से लेकर क्रीमिया तक का जो कॉरिडोर बनता है, क्रीमिया नहीं ओडेसा, ओडेसा और सी ऑफ अजोव तक, कपिल जी दिक्कत कहां आ रही है, क्या इस स्ट्रेटजी के तहत नहीं आगे बढ़ रही होगी रूस की सेना? एक बात और है सर, ये तस्वीरें तो बता रही है और जो आप बता रहे हैं, लेकिन एक साथ एक बात मैं और भी पूछना चाहूंगा, ब्रिटेन जो ऑफर कर रहा है दोनों चीजों पे जेलेंस्की को, उसका क्या मतलब जाए सामने देखकर बात। सर पहली बात, हमारे साथ बड़े बड़े एक्सपीरियंस जनरल मौजूद है और मैं बहुत इज्जत करता हूं उनका। मुझे एक लड़ाई दुनिया के अंदर बता दें जब किसी सिटी को कैप्चर करना हुआ हो तो उस सिटी के अंदर स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट नहीं हुई हो। मुझे एक दुनिया की ऐसी वॉर बता दें। सर द्विवेदी सर, आप तो युद्ध लड़े हैं, क्या जो कपिल कुमार सर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ग्राउंड पर क्या ऐसा होता है? देखो मैं आपको ढाका की एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम ढाका में जब बाहर के शहरी इलाके थे वहाँ लड़े, पर बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो ढाका एक एग्जांपल है। यहाँ नहीं, बात सुन लीजिए, जब नहीं आत्मसमर्पण करते तो लड़ाई जो है गली से गली, बिल्डिंग टू बिल्डिंग हो जाती है, घातक होती है। एक मिनट, अभी रशिया के पास इतने ट्रूप्स नहीं है वो ये फिक्र आपकी। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।